हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का RRB JEE CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ ही जो CMA का एग्ज़ाम हुआ था, उन लोगों की RRB वालों ने जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 22 से लेकर 2 तक तथा कुछ शिफ्टों में जिनके सिस्टम प्रॉब्लम थी उनके फिर 26 से लेकर 28 तक हुआ था, तो उन लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आया है RRB वालों की तरफ से। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, हमने आप लोगों के लिए इसको प्रोवाइड कराने का सोचा, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी इसको चेक कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है CEN 03/2018 JEE DMS व CMA पोस्ट के लिए फर्स्ट एड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स की एंड राइजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन ऑप्शन। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सेम लोको पायलट और DE जो डी ग्रुप की वैकेंसी थी, उनकी तरह ही सेम सबसे पहले एक आपको आपके आंसर की दिखाई जाएगी और उनके तरफ से जो आंसर रहेंगे वो वहाँ पे टिक किए जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और इसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। तो उसका मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जो 22/5/2019 से लेकर 2/6/2019 तक हुआ था तथा जिन सेंटरों पर सिस्टम प्रॉब्लम थी वहाँ पर 26 से लेकर 28 तक भी एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 का, तो उनके लिए एक आंसर की रिलीज की गई है RRB की तरफ से। तो दोस्तों, और ये जो लिंक एक्टिवेट होगा वो कल 12 बजे से यानी कि 11/7/2019 से लेके 14/7/2019 तक एक्टिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कल 12 बजे तो हो सकता है ये फिक्स 12 बजे से ना ओपन होके थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि हमने जितने भी एग्ज़ाम उन सब में हमने देखा है क्योंकि कुछ ना कुछ सर्वर प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से ये जो लिंक है वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, कोई किसी भी तरह की टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा लेट हो सकता है, जैसे 12 है तो उसका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मगर ये फिक्स है कि लिंक आज ही एक्टिव होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, जो टाइम शेड्यूल दिया गया है वो है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्सेज एंड आंसर की राइजिंग द ऑब्जेक्शन। तो ये यहाँ पे टाइम दिया गया है 11/7/2019 12 PM से, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी, यानी कि जिस दिन जिसके बाद आप इसका ऑब्जेक्शन नहीं दे आप इनको ऑब्जेक्शन को नहीं दे सकते, ना ही आप इसमें इसको देख नहीं सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, तो वो जो क्लोजिंग डेट है वो हो जाएगी 14/7/2019 को फिक्स 12 बजे तक। और फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए जैसे ही जिन लोगों को अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसके लिए उनको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीस दर प्रीस्क्राइब्ड फीस फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन 500 एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्ज एज क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक जो भी लोग जो इस पर ऑब्जेक्शन करे तो उनके लिए ₹50 चार्ज लगेगा। तो आप और ये सारा का सारा जो चार्ज होगा पूरा ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही होगा, क्योंकि उसमें एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ आपको अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी और वहाँ से आप कर सकते हो। और इसके लिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आप ऑब्जेक्शन की डाउनलोड करोगे, उसको चेक करने के बाद उसकी बगल में एक ऑप्शन आएगा, उस वहीं पर एक क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर एंड रेस्पॉन्स नाम से यहाँ आएगा। उसके बाद ही जब उसको देख लोगे तो उसके एक साइड में एक आएगा राइज ऑब्जेक्शन, वहाँ जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वहाँ उसे आपको अपलोड कर देना करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि हम सब लोगों को लग रहा था कि RRB JEE काफ़ी लेट हो सकता है, क्योंकि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि सबसे पहले NTPC का एग्ज़ाम होगा, और जो हो सकता है सितंबर तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ही JEE के एग्ज़ाम की उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि अभी तक कोई आंसर की भी नहीं डाली हुई थी। मगर अगर आंसर की अभी अगर रिलीज कर दी जाती है 14 तारीख तक, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, और ये हो सकता है आपका NTPC के बीच में या NTPC से पहले भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आज अपने कल आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगर आपके नंबर 60+ आ रहे हैं तो 100% श्योर है कि आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद आपके कुछ कम से कम 5 से 10 नंबर आपके बढ़ने के चांस हैं, जिससे आप इसको क्लियर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी अब तक इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। और दोस्तों, हम टेक्निकल की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आप CBT 1 अगर आपको लग जाता है कि आप क्लियर कर चुके हो, तो उन CBT 2 की क्लासों को लेना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें हमने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं, MCQ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज नोटिफिकेशन था, जो हमने सोचा आपको जल्द से जल्दी
प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपको हेल्प मिले और आप कल 12 बजे से इसको चेक कर सको। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।